I'm and back to Momcom, India. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी बेटी सेवन मंथ्स में किस तरीके का रूटीन था उसका फीडिंग पैटर्न पैटर्न और मिल्क पैटर्न एंड क्वांटिटी किस तरीके से रहता था होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा बिकॉज मैं पर्सनली भी इस तरीके की वीडियोज देखती रहती हूँ यूट्यूब पे की डिफरेंट स्टेजेस पे बच्चों के रूटीन किस तरीके से होते हैं सो आईम श्योर ये आपकी भी मदद करेगा करे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल हिट कीजिएगा नहीं तो जब हम वीडियो पोस्ट करते हैं आपको उसका नहीं मिलेगा। Now, let's get started. तो तो इससे पहले मैंने अपने पे 6 -month भी 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 किया किया है, है, आप वो वो जाके जाके देख देख सकते हैं. 5 -month भी किया हुआ, वो भी देख सकते हैं। हैं। तो हुआ काफी informative content आपको बेबी की एज के हिसाब से यहाँ पे भी मिल जाएगा आप मोमकॉम इंडिया की वेबसाइट चेक कर सकते हैं मोमकॉम इंडिया डॉट जहाँ पे आपको एज वाइज टॉपिक वाइज पेरेंटिंग जिस भी स्टेज पे है उस वाइज आपको डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे जो आपको बहुत मदद करेंगे टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन और फेज ऑफ पेरेंटिंग सो मेरी बेटी नूर का दिन शुरू होता है अराउंड अराउंडी इन द मॉर्निंग सबसे पहले वो उठते ही थोड़ा मुझे कड करके थोड़ी सी मस्ती करके उसको भूख लग जाती है तो वो अपना बॉटल लेती है मैं अपनी बेटी को ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ और फॉर्मुला मिल्क देती हूँ और दोनों ही चीजें मैं बॉटल के थ्रू देती हूँ तो मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप करती हूँ और उसे शुरू से ही बॉटल के थ्रू देती आ रही हूं तो यहाँ पे मैं उसको वन हंड्रेड की बॉटल बनाकर के देती हूँ ब्रेस्ट मिल्क की जो वो पी लेती है क्योंकि वो इस टाइम पे काफी हंगरी होती है ये करने के बाद हम लोग पार्क चले जाते हैं पार्क में जाके भी उसकी काफी एक्टिविटी होती है और फिर जब हम वापस आते हैं तो वो एट ओ क्लॉक अपनी फर्स्ट नैप लेती है इस नैप के लिए उसकी मिल्क पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है उसका पेट ऑलरेडी भरा होता है तो वो बस आती है एक स्लीप इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और वो सो जाती है इसके बाद वो डेढ़ घंटा आराम से सोती है डेढ़ घंटे बाद जब वो अराउंड नाइन थर्टी उठती है तब वो अपनी सेकेंड बॉटल लेती है जो अगेन ब्रेस्ट मिल्क ही होता है एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी एम का क्वॉन्टिटी होता है जो वो ऑलमोस्ट खत्म कर लेती है ये करने के बाद वो खेलती है उसकी मालिश होती है वो नहाती है एंड अराउंड 11 बजे हम उसकी फर्स्ट सॉलिड मील प्रिपेयर करते हैं तो सिक्स मंथ वीडियो में मैंने बताया था कि हम उसको क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्यूरी दे रहे थे बट सिक्स मंथ खत्म होने के आसपास हमने उसको सीरियल्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया बिकॉज सीरियल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं तो इस टाइम पे वो ओट्स या फिर सूजी लेती है और ओट्स और सूजी एक बार जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया तो इसमें हमने वो फ्रूट्स भी डालना स्टार्ट कर दिया जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं जैसे कभी हम मैंगो डाल देते हैं कभी हम एप्पल डाल देते हैं तो इस तरीके से वो ओट्स या सूजी का सीरियल मॉर्निंग में लेती है कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसे फ्रूट शेक दे देते हैं बट हम कोशिश करते हैं कि हम सीरियल इस टाइम पे उसे दें ये करने के बाद अराउंड 11:30 थर्टी वो अपनी सेकेंड नैप लेती है जो अगेन डेढ़ घंटे की नैप होती है ये नैप लेने के बाद वो एक बजे उठती है और इस टाइम पे मैं उसको फॉर्मुला मिल्क देती हूं इस टाइम में मैं उसके लिए 90 ml की बॉटल बनाती हूँ और डिपेंडिंग ऑन उसकी जो सॉलिड मील थी वो किस तरीके की थी वो उस हिसाब से 60 टू 90 ml के बीच में ही ड्रिंक करती है अब एक बजे के बाद वो खेलती है अपने भैया के साथ मस्ती करती है हम सबके साथ और फिर अराउंड 3:30 वो अपनी सेकेंड नैप लेती है ये नैप अगेन डेढ़ घंटे की होती है और उसके बाद वो वो पाँच बजे उठती है अब जब वो पाँच बजे उठती है तब मैं उसको फिर से फॉमूला देती हूँ बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरा भी ब्रेस्ट ब्रेस्टमिल थोड़ा सा कम होना शुरू हो गया

इसके बाद वो घर में थोड़ी मस्ती करती है पार्क चली जाती है पार्क से आने के बाद सेवन ओ क्लॉक हम उसे उसकी सेकेंड सॉलिड मील देते हैं तो जब वो सिक्स मंथ की थी तब हमने उसको एक सॉलिड मील पे रखा था अभी वो दो सॉलिड मील पे है तो ये जो सेकेंड मील होती है ये जनरली उसकी या तो दाल होती है या फिर खिचड़ी होती है विच इज़ दाल एंड राइस हमने स्टार्ट किया था सिर्फ़ पहले दाल इंट्रोड्यूस करी मूंग की दाल जब उसे सूट कर गई तो हमने मूंग दाल और राइस स्टार्ट किया राइस भी उसको सूट कर गया तो जब हमने देखा कि उसको दाल सूट कर गई खिचड़ी सूट कर गई उसके बाद हमने इसमें वेजिटेबल्स डालना शुरू कर दिया तो इनिशियली हम वो वेजिटेबल्स डालते थे जो उसको सूट करे हुए थे जैसे पमकिन डाल दिया कैरेट डाल दिया अब हमने उसकी दाल या खिचड़ी में पालक और घिया और आलू जैसी चीज़ें भी डालना स्टार्ट कर दिया है तो इस तरीके की वो मील यहाँ पे लेती है और ये उसको काफ़ी अच्छा भी लगता है इसके बाद उसका एक क्विक नाइट टाइम रूटीन होता है और फिर एट एट थर्टी के बीच में नोट्स सो जाती है यहाँ पे मैं उसको ब्रेस्ट मिल्क देती हूँ पहले मैं उसके लिए हंड्रेड एंड ट्वेंटी एम की बॉटल बनाती थी जब वो सिक्स मंथ्स की थी इस टाइम पे बट अब मैंने नोटिस किया है कि क्योंकि एक सॉलिड मील और इंट्रोड्यूस हो गई है तो उसकी जो क्वान्टिटी है वो सिर्फ नाइन्टी एम ही रह गई है अब क्योंकि मैं बॉटल से देती हूँ तो मैं मेजर कर पाती हूँ तो उसकी वो जो फीड की क्वान्टिटी है वो कम हो गई है जो लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं वो

तो रात की फीडिंग की उसकी क्वांटिटी कम हो रही है हमने नोट किया कि जब वो उठती भी है तो वो फीडअप कम ले रही है तो जहां वो पहले 90 एम ले लेती ले ले थी या 100 एम ले लेती ले थी अब वो साढ़े बारह बजे वाली फीड सिर्फ 60 एम लेती है इसके बाद जब वो साढ़े तीन चार बजे उठती है तब वो अराउंड नाइन्टी टू हंड्रेड एम की फीड ले लेती ले है और उसके बाद फिर से सो जाती है तो सेवन मंथ्स एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ बच्चों का रूटीन काफ़ी डिफाइन हो जाता है आपको पैटर्न समझ आ जाता है फीडिंग अगर आप कराते हैं तो मिल्क फीड में भी आप थ्री थ्री आवर्स का गैप नोट करना शुरू कर देते हो कई बार चार घंटे भी हो जाते हैं ओवरनाइट उनका जो है स्लीपिंग वो मच बेटर हो जाता है चाहे बच्चे जिस टाइम पे भी सोएं बट वो काफ़ी लंबा सोना शुरू कर देते हैं सिर्फ दूध के लिए ही उठते हैं तो इस टाइम में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि फोकस करो बच्चों की स्लीप पे उनको दिन और रात में मिला के बारह से चौदह घंटे सोना चाहिए वो अब आपके रूटीन के हिसाब से आप कैसे मैनेज करते हो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है मेरा बेटा जैसे जब दोपहर की नींद लेता था तब वो ढाई तीन घंटे सो जाता था तो अगर इस तरीके की बच्चे की कोई नैप होती है तो बाकी की नैप्स कम हो जाती है नूर के साथ मैंने नोटिस किया कि उसकी तीनों नैप्स जो है वो डेढ़ डेढ़ घंटे की अभी चल रही है बट आने वाले टाइम में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ की ये भी कम हो जाएगा इसी के साथ उसकी सॉलिड मील भी और बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में तो चैनल के साथ बने रहिएगा सब्सक्राइब कर और क्योंकि आप एक न्यू पेरेंट हैं तो एक ब्रांड आपको जरूर सजेस्ट करूंगी प्लम बनी जिसको आप एमेजन पर चेकआउट कीजिए वहां पे आपको बहुत अच्छे बेबी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एंड यू विल बी रियली हैप्पी विद द क्वालिटी आल्सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है डू चेक इट आउट थैंक यू बाय